ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय लोगों का ग्रामीण विकास में सहभाग हो, इसका प्रावधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सेवाओं को कुशल प्रदायगी करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था कर दी गई। इसके माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए पंचायतों को अधिकार प्रदान करने का काम किया। तब से लेकर आज तक 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इस साल 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस को 30 साल पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत राज दिवस का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रह के पंचायत राज व्यवस्था के सभी सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन करके गांवों का विकास सही ढंग से करने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। इसी दिन पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की हुई मोदी जी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के तहत कई लाभधारकों को स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने का भी आयोजन किया गया है। लगभग पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड अब तक दिया गया है। गांव में पंचायत द्वारा की जाने वाली भागीदारी में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज के माध्यम से जीएम पोर्टल का भी इसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से कार्यान्वयन होने वाला है।